नमस्कार, इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ये दूध का पैकेट लेके आई हूँ। आज की रेसिपी मेरे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर है, तो ये आज मैं दूध का पैकेट जो है ना फुल फैट मिल्क मैं लेके आई हूँ। आज आप कोई सा भी फुल क्रीम दूध ले सकते हैं। इससे मैं आज यहाँ पर बनाऊँगी कलाकंद, ये मिल्क केक बनाऊँगी। तो ये दूध मैं इस पर गैस ऑन कर दी हूँ और इसमें मैं यहाँ पर 3 लीटर दूध लेके आई हूँ। 6 पैकेट दूध है, ये 1/2 लीटर का है। तो ये 3 लीटर दूध से मैं यहाँ पे बनाऊँगी मिल्क केक, जो बहुत ही यम्मी टेस्टी बनता है। सबकी पसंद की रेसिपी है ये, सबको पसंद आने वाला स्वीट है। तो आप ज़रूर एक बार ये बनाइएगा स्वीट। और ये जो मैं छोटी छोटी बातें इसमें बताऊँगी, छोटा छोटा ट्रिक है, जिस ट्रिक के कारण ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये छोटी छोटी बात का ध्यान रखने से बहुत टेस्टी। तो यहाँ देखिए, फुल गैस पे ही मैं इसको बिल्कुल हाई फ्लेम में दूध को उबालना है अच्छे से, और इसको चलाते रहना है 2-4 मिनट। आप 2 मिनट रोक सकते हैं हाथ, लेकिन हाथ रोकना नहीं है इसको। नहीं नीचे लगना चाहिए और नहीं साइड में चिपके रहना चाहिए। ये लगातार चारों तरफ से खुरच के इसको और चलाते रहना है, और फुल गैस में ही इसको अच्छे से उबाल लेंगे। उबल के यहाँ 3 लीटर दूध जो है 1 लीटर हो गया है, ये आप देख सकते हैं 1/3 रह गया है ये। तो 1/3 के बाद हम यहाँ पे लाए हैं इसमें, ये देखिए, वाइट विनेगर। मैं इसमें इसको सिरका भी बोलते हैं, ये वाइट विनेगर से पे इस में डालूँगी। ये उसी का जो ढक्कन है, जो वाइट विनेगर का ढक्कन है, उसी ढक्कन से 1 ढक्कन मैं यहाँ ली हूँ। और इसका गैस मैं लो नहीं की हूँ, बिल्कुल हाई में ही है, फुल गैस में ही मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के और लगातार इसको चलाऊँगी। ये देखिए, ये तरीका बहुत ही अच्छा है और कारगर है, आप ज़रूर अपनाइएगा। बहुत टेस्टी स्वीट बनेगा, बिल्कुल मार्केट के जैसा, मार्केट से भी टेस्टी बन के तैयार होगा। और ये देखिए, यहाँ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके बस यही 1 ढक्कन जो विनेगर है उसको मैं इसमें डाली हूँ, ये देख सकते हैं आप। और ये फाड़ना नहीं है दूध को, यहाँ पे दूध में जो है ना हल्का सा, मतलब बिल्कुल बारीक सा दाना बनाना है इसमें, तभी ये मिठाई जो है ना सॉफ्ट बनेगी, बहुत ही टेस्टी। और ये चीनी जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, वो चीनी मैं यहाँ लाई हूँ, 400 ग्राम चीनी मैं यहाँ पे पीस के लाई हूँ। पाउडर बना के मिक्सर में मैं इसको पाउडर बना दी हूँ, और इसको इसी टाइम थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये जब गाढ़ा हो गया है, मैं पहले 1 ढक्कन विनेगर डाली, उसके बाद ये चीनी को मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी। क्या होगा, चीनी एक साथ डाल देने से चीनी और ये जो दूध है ना बिल्कुल पानी उसमें से अलग कर देगा, और ये फटाफटा सा हो जाएगा। और फटाफटा होने के बाद ये स्वीट जो है ना थोड़ा हार्ड बन जाएगा। तो आप ये छोटी छोटी बात ध्यान रखिएगा, और स्वीट जो है बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा, बिल्कुल मुंह में जाके घुलने वाला। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए इसको, स्टेप को, और ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यही 400 ग्राम चीनी को मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पूरा ही डाल दी, और गैस को लो नहीं की हूँ, गैस बिल्कुल हाई में ही है। ये पूरा स्वीट जो है हाई फ्लेम में ही बन के तैयार होगा, यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए विनेगर है, अब 1 ढक्कन विनेगर और डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ अभी दाना अच्छे से इसमें नहीं बना है, तो अब इसको दाना बनाना है, यहाँ देखिए, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा करके बस डालना है, 1 ढक्कन और मैं यहाँ डाल दी हूँ इसमें विनेगर, और गैस हाई में ही इसको लगातार मैं बस चला रही हूँ। थोड़ा थोड़ा 1-2 छींटा उड़ेगा भी, तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा दूरी बना करके ही इसको लेकिन चलाते रहिए अच्छे से। और यहाँ देखिए, ये दाना तैयार हो गया है। तो बस इतना ही चाहिए, और विनेगर इसमें नहीं डालना है। तो टोटल मैं 2 ढक्कन ही विनेगर इसमें डाली हूँ, और ये देखिए बनके ये तैयार होने वाला है। तो मैं यहाँ कलछी ले आई हूँ, कलछी से मैं दबा के अच्छे से अब मिक्स करूँगी इसको। यहाँ आप लकड़ी का कुछ है तो उसे भी मिक्स कर सकते हैं, और यदि नहीं मिक्स करना है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी बनेगा, और बिल्कुल भी जो दाना है हार्ड नहीं होगा, एकदम सॉफ्ट बना रहेगा दाना इसका। मुंह में जाके आप खाएंगे ना, तो मुंह में जाएगा तो बिल्कुल घुल जाएगा, आपको चबाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा स्वीट बने। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे।
और आप हर स्टेप देखने के लिए फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को। और यदि पसंद आई है रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें दो चुटकी केसर डाल दी हूँ। आप यहाँ कुछ फूड कलर वगैरह चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, मैं अभी इसमें फूड कलर नहीं डालूँगी। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट जो है ना अलग कलर दिखा रहा है, नहीं तो ये और भी अच्छा कलर यहाँ पे बना है। लेकिन यहाँ देखिए ये बस हो गया है, मर दी हूँ। अब थोड़ी देर इसको बंद करने के बाद, गैस जो है बंद करने के बाद भी मैं चलाऊंगी थोड़ी देर तक, ताकि ये थोड़ा और ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं प्लेट में डालूंगी। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, और ये है इलायची, 6-7 हरी इलायची को मैं करके उसमें ले आई हूँ, जो कुटनी है उसमें। और इसमें अभी डाल दी मैं लास्ट में, और ये मैं एक ट्रे ली हूँ, ट्रे में यहाँ पे देखिए फाइल जो होता है खाना रैप करने वाला, उसको मैं इस ट्रे पर अच्छे से कवर कर दी हूँ, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा दे रही हूँ। ये देखिए घी अच्छे से मैं इसमें ग्रीस कर दूँगी, देखिए, और बस ये ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद अब मैं उसमें फैलाऊँगी, ये देखिए, ये तरह से बहुत ही टेस्टी बना था। और इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, आप चाहेंगे कि अभी एक घंटा में ये तैयार हो गया है, बन गया है, तो ऐसा नहीं है। इसको आप सेट होने के लिए आराम से छोड़ना पड़ेगा आपको, जैसे स्पंज वगैरह बनाते हैं तो जब उसको छोड़ देते हैं तभी टेस्ट आता है, तो उसी तरीके का ये जो है आपका कलाकंद, इसको 6-7 घंटे अच्छा सेट हो टाइम लेता है तभी ये टेस्टी बनता है। यदि आप थोड़ा और पका करके चाहेंगे जल्दी में तो थोड़ा ये जो है ना इतना टेस्ट नहीं आएगा। तो आप इसको आराम से शाम को बनाए हैं तो अगले दिन सुबह आप इसको देखिएगा, तब सूखेगा ये अच्छा, मतलब कि जम जाएगा। तो बस मैं यहाँ ऐसे करके इसको सेट कर दी हूँ, और इसको रख दूँगी आराम से ढक के। और ये देखिए यहाँ आप 6-7 घंटे बाद मैं इसको देख रही हूँ, यहाँ टाइट हो गया है, बाहर से सूखा हुआ दिख रहा है ये। अब इसको ले क्या है, काटने के बाद भी नीचे से थोड़ा गीला निकलता है, आप उसके बाद भी 2-3 घंटा और छोड़ेंगे तब। अभी सर्दी का टाइम है और जगह पे, अब मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे सर्दी नहीं है, अच्छी खासी मतलब कि गर्म है मौसम यहाँ, तो यहाँ जल्दी नहीं सूख रहा था, ठंडा होने से जल्दी सूखेगा। तो ठीक है, यदि आप हैं तो वहाँ थोड़ा और जल्दी बन जाएगा। और यहाँ देखिए ये बहुत ही टेस्टी बना है ये, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। थोड़ी देर और बाहर छोड़ने के बाद थोड़ा और सूखेगा ये, तब जाकर के एकदम से मार्केट में जो आप खरीद के लाते हैं बिल्कुल वैसा ही देखने में और खाने में तो उससे भी अधिक स्वादिष्ट बिल्कुल ये बन के तैयार हो गया है। सेब आप अपने पसंद का कोई भी दे सकते हैं, मैं इस तरीके का सेब दी हूँ। और ये जो ट्रे में दिख रहा है आपको, जो मैं प्लेट में निकाल दी, उसका मैं थोड़ा एक बार और कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ इससे। ये देखिए आप यहाँ तोड़ के देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी यम्मी बना है ये। तो आप ज़रूर इस स्वीट को बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी रेसिपी। और ये देखिए जो मैं ट्रे में छोड़ी थी उसको से कलर चेंज करके मैं दिखाती हूँ यहाँ। इसमें थोड़ा सा मैं फूड कलर डालूंगी, मार्केट में भी 2 कलर का मिलता है, थोड़ा सा एक डार्क कलर आपको दिखता है चॉकलेटी कलर, तो उसमें थोड़ा सा ये मिलाते हैं कुछ फूड कलर, या उसको जो है ना थोड़ा और पकाते हैं गैस पे। तो मैं थोड़ा फूड कलर डाल के थोड़ा और इसको पका रही हूँ। आप दोनों तरीका से देख लीजिएगा बना के, आपको कौन सा पसंद आया ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मैं यहाँ गैस बंद कर दी हूँ, और बस अब इसको भी मैं निकाल के और जमा के इसको दिखाती हूँ काट के। हम लोग खा चुके हैं इसको, तो ये भी बहुत टेस्टी बना है, दोनों का अपना अपना टेस्ट है। ये थोड़ा सा और यहाँ कलर जो है ना, यहाँ जो मैं उसमें डाल दी हूँ फूड कलर, उससे कलर आया है, और ये थोड़ा भुन गया है और, तो उसका भी कलर है, तो टेस्ट में थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो बहुत टेस्टी। दोनों तरीके से बना सकते हैं, और आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा।
अब मैं देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से इस दूसरे प्लेट में निकाल दी हूँ, और इसको भी बस अब मैं यहाँ जमने के लिए रख दूँगी अच्छे से यहाँ प्लेन कर कर के। ये देखिए प्लेन कर दी मैं इससे, और बस ये बहुत जल्दी जम गया है। ये थोड़ा सा और पका दी मैं यहाँ, तो इसके लिए इसको जमने में टाइम नहीं लगा, लेकिन दोनों के जो टेस्ट है उसमें बहुत फ़र्क हो गया है। हम लोग इसको खा चुके हैं तो अभी तो दिखाएंगे यहाँ। इधर लाइट की वजह से थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, नहीं तो पहले जो मैं कलर दिखा रही थी वही कलर है इसका। और यहाँ मैं यहाँ कट करके दिखाती हूँ। 2 घंटे के बाद ही ये जो है ना अच्छा सेट हो गया था, और खाने में टेस्ट जो है ना दोनों का अपना अपना टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी है। ये पहले जो प्लेट में है रखा हुआ जो पहले बनाई हूँ मैं, वो वाला जो है और ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये भी सॉफ्ट है, ऐसा नहीं कि सॉफ्ट ही बना है, लेकिन टेस्ट थोड़ा अलग है। तो ये बनाइएगा, खाइएगा, फिर बताइएगा मुझे कि कौन सा टेस्ट आपको पसंद आया और आप कैसे बनाते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये मैं यहाँ दिखा रही हूँ तोड़ के, तो ये देखिए है ना टेक्सचर इसका भी बहुत ही टेस्टी है, और देखने में भी और खाने में भी इतना ही टेस्टी ये बन गया है। सब लोग तारीफ़ किए हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल पर और इसी तरह सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं इस तरह की और भी नई रेसिपी के साथ।